नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक दिन के अपने यहाँ पर दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो अमेठी आ रहे हैं और जिले को 540 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गौरीगंज के कौहार में आयोजित होने वाली जनसभा में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और कई अन्य मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री कोरबा की आयुध निर्माण फैक्ट्री में भी असोल्ट राइफल के तीन, यहाँ पर आपको बता दें कि 203 की भी यूनिट का शुभारंभ करेंगे और साथ ही 9 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और साथ ही 8 का शिलान्यास यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक दिवसीय दौरे पर गौरीगंज के कोहार पहुँचेंगे। पीएम के साथ रक्षा मंत्री सहित कई यहाँ पर नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। जनपद अमेठी के हम इस समय कौहार के मैदान में हैं। आपको बता दें कि यहीं पर आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री सीतारमण के साथ और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर आज उनके आने का कार्यक्रम है। दोपहर 1:55 पे पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं से इंडियन एयरफोर्स के विमान से वहां तक आएंगे। IAF BBJ विमान है और वहीं से हेलीकॉप्टर M18x17 से वो कौहार के हेलीपैड पर उतरेंगे 3:40 पर और फिर यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर 8 शिलान्यास और 9 लोकार्पण करने का उनका योजना है और बहुप्रतीक्षित योजना, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो इंडियन आर्डनेंस फैक्ट्री है, वो रसिया के एक प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आकर के AK सीरीज की AK-203 असॉल्ट राइफल का भी शुरुआत आज यहाँ से होना है। और कहीं ना कहीं इतने सारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और योगी आदित्यनाथ एक साथ इतने सारे नेताओं को यहां पर आना कहीं न कहीं सियासी रूप में अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को घेरने की तैयारी में। अमेठी से आशीष त्रिपाठी, लाइव 24। और तमाम जानकारी के लिए आशीष त्रिपाठी हमारे संवाददाता अमेठी से मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। आशीष, आज पीएम नरेंद्र मोदी अमेठी आ रहे हैं और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? जी बिलाल जी, आपको बताना चाहते हैं कि 3:40 प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर बमरौली एयरपोर्ट से आकर के कौहार में जो अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है यहाँ पर उतरेगा और इसी के जस्ट बगल में कौहार का ये मैदान है जहाँ पर बड़ा सा मंच लगाया गया है और बहुत ही बड़े ग्राउंड में बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं और यहीं पर जो है वो 8 शिलान्यास और 9 लोकार्पण करेंगे जिसकी कुल लागत 53,729.69 लाख बताई जा रही है। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कोरवा स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री और रसिया की एक प्राइवेट कंपनी है प्लास्टिक को, उसका एक ज्वाइंट वेंचर से AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होना है, उसका भी शुभारंभ किया जाना है। बिल्कुल, लेकिन बिलाल जी, जी बताना चाहता हूँ कि बारिश से काम थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, सारी लगातार करीब 1-1.5 घंटे से बारिश रुक करके जारी है, इसके कारण सारी कुर्सियां भीग गई है, सारा कारपेट गीला हो गया है और जिसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था दिख पड़ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आशीष, जिस तरह से एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से अमेठी की जनता को आज मिलने जा रही है, इसका असर कितना लोकसभा के चुनाव पर देखने को मिलेगा? जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। अभी कल ही जो है कांग्रेस ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस वार्ता की थी और उसमें ये कहा था कि जब पिछले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 साल में हम अमेठी को पूरी तरीके से बदल देंगे, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप था कि बदलाव कुछ भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज जो जिन चीजों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कांग्रेस ने कहा कि पहले ही पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही हो चुका था, लेकिन आज सवेरे प्रधानमंत्री के आने के पहले ही एक पोस्टर वार शुरू हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के छात्र नेता जयसिंह प्रताप ने एक पोस्टर लगाया कई सारी जगहों पर जो होर्डिंग्स लगे हुए थे जिसमें लिखा था जुमला नहीं जवाब चाहिए, 5 साल का हिसाब चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक दर्जन से अधिक के साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर के प्रधानमंत्री जी के साथ एक बड़ा संदेश देना चाहती है और दिखाना चाहती है कि अमेठी में वास्तविक विकास हम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो विपक्ष है विशेष करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनका भी कहीं ना कहीं से उनके बड़े सवाल है जो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आशीष, एक और महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने यहाँ पर आता है कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है
और बाकी तमाम जो दल हैं, राजनीतिक दल, वो भी अमेठी में ही कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देते हैं, अपना उम्मीदवार नहीं उतारते। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस बार सक्रियता दिखा रही है अमेठी को लेकर, लगातार केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री जो है स्मृति ईरानी वहां पर पहुंचती रही है, क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अमेठी की जनता को साधने में कामयाब होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हमने कई लोगों से बात किया, लगातार हम सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन अगर हम जनता की माने तो लोगों का कहना ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी प्रकार से तैयारी की थी, लेकिन अब 5 साल सरकार रही और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी लगातार अमेठी आती रही। और आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी पिछले 2 घंटे से स्मृति ईरानी जी स्वयं मंच पर मौजूद है और सारी व्यवस्था को अपने आप से देख रही है। तो कहीं ना कहीं ये इनका बड़ा प्लान है कि किसी न किसी तरीके से अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं से हम अमेठी में जीत हासिल करें। लेकिन अभी भी जनता से बात करके उनकी नब्ज जानने का मौका मिल रहा है, उसमें दूर दूर तक कहीं कहीं अभी राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई सांसद अमेठी में दिख नहीं रहा है। शुक्रिया आपका आशीष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज काफी अहम दिन अमेठी की जनता के लिए माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात आज अमेठी की जनता को मिलने जा रही है। 540 करोड़ की सौगात आज जनता को पीएम मोदी की तरफ से मिलेगी और पीएम मोदी के साथ यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री भी यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज एक जनसभा में काफ़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचेंगे। राहुल को आज उनके ही गढ़ में घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि 540 करोड़ की बड़ी सौगात अमेठी की जनता को आज पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से पीएम मोदी अमेठी में ही आज जनता को घेरेंगे और यहाँ पर जो है जनता के बीच पहुँचेंगे और उसके बाद राहुल गांधी पर भी जो है वार प्रतिरोप का दौर शुरू होगा। पीएम मोदी जिस तरह से आज अमेठी आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात अमेठी की जनता को मिलने जा रही है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेठी की जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और राहुल को आज उनके ही गढ़ में आज पीएम मोदी घेरे। और आपको बता दें कि इस तरह से बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से अमेठी की जनता को मिलेगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से अमेठी एक गढ़ यहाँ पर कांग्रेस का माना जाता रहा है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी पूरी कोशिश और पूरी तैयारी कर रही है कि अमेठी में भी यहाँ पर जनता को लुभाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और तमाम जानकारी के लिए चंदन झा हमारे संवाददाता न्यूज रूम से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंदन, आज पीएम मोदी अमेठी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा और अमेठी में जिस तरह से अमेठी की जनता को बड़ी सौगात देगी उसका क्या कुछ असर 2019 के लोकसभा में चुनाव में देखने को मिलेगा? विरोध उन्हीं का होगा, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो ये बता रहे हैं कि भाई आपने 5 साल में क्या किया, इसका जवाब हमें दें। खैर, जो सत्ता में रहेगा विरोध उन्हीं का होगा। जो बात जो आपने बोला 2019 में क्या फ़ायदा हो सकता है, 2019 में चूंकि ये सारा जो किया जा रहा है वोट की राजनीति के लिए ही किया जा रहा है, जो जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो वहाँ पे आज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घोषणा करेंगे जो चीज़ों का, वो शायद वो एक कुछ साल पहले भी कर सकते थे,
लेकिन बात यह है कि आज जो करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और देश के लिए भी, और जो हमारा एक बायलैटरल डिफेंस मैकेनिज्म है रसिया के साथ, उसके साथ भी एक बड़ा ही बड़ा AK-47 जो क्लासिनिकोव राइफल्स है उसके प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पे एक यूनिट का आज शुभारंभ करेंगे, जो 11,800 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ वो एक स्टील यूनिट का भी वहाँ पे शुभारंभ करेंगे जो 9,600 करोड़ का है। उसी के साथ कुछ हेल्थ मतलब हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर जो अमेठी का है वो 167 करोड़ का है, वो भी वहाँ पे शुभारंभ करेंगे। और एक बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, जिसमें उन्होंने जो बजट पास किया है 139 करोड़ का। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर चुनाव काफी नजदीक है और आप सिर्फ शुभारंभ करने के लिए अभी चुनाव से कुछ ही दिन पहले वहां आ रहे हैं, और अमेठी राहुल गांधी जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर लोग एक तरह से कहें कि राहुल गांधी का वो सुरक्षित क्षेत्र है, और कोई भी किसी की भी सरकार होती है तो वहां से गांधी परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति जीतता है। बिल्कुल, लेकिन चंदन एक सवाल और निकलकर सामने यहाँ पर आ रहा है चंदन, तो राहुल गांधी जी को जो टक्कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, जो अभी हमारे केंद्र में मंत्री भी है स्मृति ईरानी ने काफी जोरदार टक्कर दिया था, लेकिन चूंकि वो सुरक्षित सीट है गांधी परिवार का, इसलिए शायद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर निकल कर सामने आता है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस वहां से जीतती रही है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, और एक बड़ी सौगात बीजेपी की तरफ से अमेठी की जनता को आज मिलेगी, क्या 2019 के चुनाव में बीजेपी वहां की जनता को साधने में कामयाब होगी? जी, मैंने पहले भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश में, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इन दोनों के बीच में एक ना कहने वाली या ना लिखने वाली एक ट्रीटी है, एक समझौता है। समझौता ये आपको देखने से भी मिल सकता है, सुनने से भी मिल सकता है कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स दिखलाएंगे पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बोल रहे हैं, कभी किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए हमें। तो एक यहाँ पर कहीं ना कहीं से वोट अपने तरफ खींचने की राजनीति बीजेपी तो जरूर कर रही है और साफ दिख रहा है। हालांकि ये सुरक्षित सीट है गांधी परिवार का, इससे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा बीजेपी को। और शायद इसीलिए बिल्कुल अंतिम वक्त में, चुनाव बिल्कुल अब स्टार्ट होने वाला है, इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और इसीलिए शायद इन्होंने सोचा जो बीजेपी के जो गठबंधन है जो नागपुर के द्वारा संचालित होता है, उन्होंने शायद ये इन्हें सजेस्ट किया होगा कि आप चुनाव से कुछ ही दिनों पहले वहां पर जाकर शुभारंभ करें, ताकि जो शिलालेख होगा या फिर जो इस तरह के जो प्रचार हो सकता है, शायद कुछ ना कुछ वोट्स हमारे तरफ आ जाए। जी बिलाल, बिल्कुल। और चंदन, अब देखना होगा कि पीएम मोदी के यहाँ पर कार्यक्रम में कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सफल कार्यक्रम कितना रहता है। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर इसी बात का उठता है कि क्या वाकई में पीएम मोदी की तरफ से जो आज सौगात मिलेगी और जो बीजेपी जनता को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, वो कितना कामयाब उसमें और उस रणनीति में बीजेपी हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अमेठी की जनताओं की बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से दी जा रही है, और आज आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री भी अमेठी में आज गर्जिंग और अमेठी से ही कांग्रेस को साधने की कोशिश आज बीजेपी की तरफ से हुई। और चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने आम बजट में घोषित कन्या सुमंगला योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, और इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएट में ही प्रवेश तक 5 चरण में कुल 15,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के लिए भी यहाँ पर 1.80 लाख की आय की सीमा प्रस्तावित थी, और लेकिन मुख्यमंत्री ने आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव किया है और इसे मंजूरी दे दी गई। और वहीं इस तरह से 25,000 रुपए मासिक आय वाले परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा और योजना की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी, और इस योजना के जरिए सरकार निम्न माध्यम से और यहाँ पर जो है सीधा जनता को इस योजना का फायदा मिलेगा।
और जम्मू कश्मीर की हिंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और साथी आतंकियों के बीच तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी रहा और रविवार सुबह फायरिंग रोकने के बाद सुरक्षा बलों की ओर से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और आपको बता दें कि एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हुए और वहीं आपको बता दें कि 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। फिलहाल आतंकियों की यहाँ पर शव बरामद नहीं हो पाए और वहीं रविवार को ही इस मुठभेड़ के दौरान घायल एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया है। शुक्रवार देर रात सुरक्षा बलों को यहाँ पर हंदवाड़ा इलाके के एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था और दोनों ओर से शनिवार सुबह तक भी फायरिंग चली और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने वाले यहाँ पर घर में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। सेना की 22 RR और 92 बटालियन CRPF और साथ ही SOG की यहाँ पर टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। और गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत ने भी निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली को भी 10वें मामले में सजाए मौत सुनाई है और यह सजा विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह द्वारा सुनाई गई और इसके साथ ही यहाँ पर कोहली पर 1,10,000 रुपए के आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया और सुरेंद्र कोहली को इससे पहले भी 9 मामलों में सजाए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और ये 10वां मामला था जिसमें सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई और ये मामला 270 दिन तक चला और जिसमें 38 गवाहों की भी गवाही दर्ज की गई है जिसके बाद अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने निठारी कांड में शामिल नरपिशाच सुरेंद्र कोहली को 10वीं बार फांसी की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं सुरेंद्र कोहली पर तकरीबन 1,10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में ये उन सभी लोगों के लिए इंसाफ की बात है जो कोर्ट कचहरी के सालों से चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल बाकी बचे केसों में सभी को इंतजार है कि CBI कोर्ट किस तरीके का फैसला सुरेंद्र कोहली के खिलाफ सुनाती है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी फारूक के साथ जितेंद्र भाटी, Live 24। और यूपी के फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी वायुसेना के जवान अभिनंदन को लेकर कहा है कि मेरा नौजवान जिस शेर दिल से भारत में प्रवेश कर रहे थे और उनका चेहरा यहां पर देखने से लग रहा था कि कोई शेर आ रहा है और पाकिस्तान को आज नहीं कल तो अभिनंदन को ही छोड़ना पड़ता। अरविंद साध्वी का पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि आतंकवादियों को कौन पाल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति ने भी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। फतेहपुर पहुंची थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन और उन्होंने अभिनंदन का भी भारत वापसी पर स्वागत किया और कहा है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल मजबूर होता अभिनंदन को छोड़ने के लिए और साथ ही कहा है कि सब कोई जानता है कि आखिरकार आतंकवाद को पाल कौन रहा है। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक दिवसीय प्रवास पर ही कोरिया जिले में रही और कोरिया जिला मुख्यालय में बैगनठपुर और साथ ही पटना के अस्पताल पहुंचे और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का भी यहां पर जायजा लिया और स्वास्थ्य मंत्री PSC देव दोपहर 1 बजे कल यहाँ पर कोरिया जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे और पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उसके बाद वहाँ पर उन तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की है। एक देख लेते हैं क्या कारण है, व्यवस्था में क्यों दिक्कत जा रही है और वाकई में एनेस्थेटिस्ट की कमियां सभी अस्पतालों में रहती हैं और यहाँ ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट हैं तो जल्दी काम पे लगते हैं, ये कमी स्वीकार्य नहीं है और जो नई नीति हम लोग लागू करना चाह रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि हर स्तर पर निःशुल्क दवाइयाँ पूरी मात्रा में उपलब्ध रहेंगी और जो जो चिन्हांकित दवाइयाँ रहेंगी वो आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगी। अयोध्या में फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की उत्कृष्ट कोच सेवा का भी शुभारंभ किया गया और फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे को बदला तो यहां पर नहीं गया लेकिन
नया रंग रोगन कर उसको भी आकर्षण जो है बनाया जा रहा है। और आज पुराने डिब्बों को भी नए रूप में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और साथ रेल के अधिकारियों ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं और साथ ही साजो सज्जा देकर ही आकर्षक बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इस पुराने कोच को नया रूप दिया गया है। एक फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस में डाला गया है, इसमें हर कोच की कलर स्कीम बदली गई है। बाहर से अगर आप देखें तो क्रीम कलर, मैरून कलर का एक कलर स्कीम है जो कि नया कलर स्कीम है जो रेल मंत्रालय ने बोला है उत्कृष्ट कोचेस में करने के लिए। इसके अलावा सभी कोचेस के शौचालय अपग्रेड किए गए हैं। जनरल कोच हो या स्लीपर हो या एसी हो, हर कोच में जो शौचालय है उसमें इपॉक्सी फ्लोरिंग की गई है। आम आदमी को दिल्ली जाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, इसलिए लगातार इसके लिए प्रयास हो रहा था कि इसमें नए कोचेज लगाए जाए, लेकिन नए कोचेज इतनी तेजी से निर्माण नहीं हो पा रहे कि एक साथ चार रैक बदल सकें, क्योंकि फैजाबाद दिल्ली जो है दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस बन जाती है। और बदायूं की थाना जरीफा नगर के पास दो वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई और जिससे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इसे हायर सेंटर के लिए भी रेफर कर दिया गया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प बाइक रैली निकालकर 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की बात कही है और वहीं बागपत के भी कई क्षेत्रों से बाइक रैली निकाली गई और इस रैली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता यातायात नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। हमें आज बाइक रैली का और इस बाइक रैली से हम एक संदेश देना चाहते हैं बीजेपी की एक अच्छाई का, एक समानता का, एक सबका साथ सबका विकास का, ये सब संदेश देने के लिए हमने एक बाइक रैली आज सभी जनपद में सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निकाली। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं में विजय संकल्प रैली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकाली और रैली में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बरेली में विजय संकल्प रैली को संचालन किया था और आतंकवाद को लेकर भी लाइव 24 से वार्ता की है। ये रैली देश बचाने की रैली, ये रैली देश का सम्मान बनाने की रैली, ये रैली सांसद और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, देश बनाने के लिए है। देश बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता, इसलिए रैली का संचालन अभिनंदन करूंगा। और पंजाब के बटाला शहर के अमृतसर बाईपास पर भी उस समय हड़कंप मच गया था जब गोली चलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दरअसल बटाला अमृतसर रोड पर ही गुरु नानक में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सामान के सैंपल लेने गई थी और जहां यहां पर ड्यूरी मालिक ने भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं लाइव 24। नमस्कार।